दुर्गा देवी हैं जो फेमस, तो हम उनके घर पहुंच गए हैं। देखो ये इस तरीके से झुग्गी बना के रहती हैं बेचारी, और उन्होंने बहुत सारे लौकी वगैरह के पौधे लगा रखे हैं, और लौकी भी बहुत लंबी लंबी लगी हैं। ये भी शिवानी के गांव में ही रहती हैं, जो लोग नहीं जानते हैं ये देख सकते हो आप लोग, उनको बहुत शौक है इन सब चीज़ों का। तो अभी उनके घर पर कोई भी नहीं है, पपीता के पेड़ भी हैं आपको देखो, अब मैं दिखाती हूँ इसे। और ये उनके यहाँ हैडपम्प बोलते हैं इसको क्या, वो भी लगा हुआ है, इसी से वायरल हुई थी। अच्छा जी, हाँ यहाँ से ही उनकी वीडियो वायरल हुई थी, और काफ़ी कष्ट से रह रही है, मुझे उनका मतलब देख ही लग रहा है। और धूप बहुत तेज हो गई, और चारों तरफ उनके खेत वगैरह ही हैं, वैसे इधर कोई घर वगैरह कम है, तो देखते हैं कोई मिलता है, वैसे तो कोई मिला नहीं है अभी तक यार। तो ये है राधा दीदी का घर, मतलब मेन घर बकाया, तो उन्हें झुग्गी बना कुंडी, हाँ ताला लगा है नहीं, वो कहीं गई हैं घूमने, तो सारा हमारा मेहनत लग रहा है बर्बाद ना जाए। बहुत दूर से आए हैं हम, ये दीदी मिलने आई है। दीदी आप कहाँ से आए? किन्नौर। इनको भी नहीं मिला, मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे भी नहीं मिली राधा दीदी, तो बहुत गंदा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं तो 24 घंटे का सफर करके आई हूँ, इतनी दूर से पूछो मत मुझसे, तो बहुत हालत अब मेरी खराब हो रही है। मैं भी मिलने आई थी दीदी से, वो भी नहीं मिली है, क्योंकि मैं भी किन्नौर से आई हूँ। क्या यार, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत गंदा लग रहा है। चलो आप दोबारा आएंगे कभी मिलने। मेरा तो कल समझो कल 8 बजे का सफर, तो पास का हूँ, पर भी है कि जब तक कल लगता है जो भी है। को अभी बुलवाया है फोन करवा के, ये गायब थे, ये भी नहीं थे, बाहर निकल गए थे। तो चलो कोई तो मिला, अच्छा लगा थोड़ा। और अपनी मम्मी को बोलना है एक दिन तो दे दिया करे हमें, है ना? सही बात है।